एससीओ समिट शुरू होने जा रहा है और आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो। और 11 साल के बाद पाकिस्तान का कोई भी विदेश मंत्री भारतीय सरजमी पर कदम रखने जा रहा है। इसके पहले सही जी, बिलावल के भारत दौरे पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि हम व्यापार और सहयोग बढ़ाने को लेकर गंभीर हैं, एससीओ को लेकर गंभीर हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज ये कहा है कि व्यापार और सहयोग बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, क्षेत्र में शांति के लिए प्रतिबद्ध है पाकिस्तान। और ये भी ट्वीट करते हुए कहा कि एससीओ समिट में बिलावल भुट्टो का जाना ये दर्शाता है कि एससीओ के प्रति पाकिस्तान गंभीर है, गंभीरता के साथ एससीओ को लेता है। इसलिए गोवा में हो रहे एससीओ की बैठक में भारत में बिलावल भुट्टो आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का ट्वीट है, लेकिन इससे पहले बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान एससीओ को बहुत ज्यादा महत्व देता है और गोवा में आज जो बैठक हो रही है उसमें जाना मेरे लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ जाकर मैं दोनों देशों के बीच व्यापार और क्षेत्र में शांति की बात। लेकिन पाकिस्तान के पास बहुत चुनौतियां हैं श्री जी इस वक्त, और खुद पाकिस्तान की जो आवाम है, वो जनता है, वो ये सोच रही है। बहुत सारा सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें और बहुत ज्यादा ये खबरें वायरल हैं कि किस तरह से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का सामना कर पाएंगे बिलावल भुट्टो, क्योंकि उनके सामने नौसिखिए हैं बिलावल भुट्टो और एस जयशंकर के पास लंबा चौड़ा अनुभव है, कार्यकाल है उनका। चलिए आप सभी दर्शकों के लिए चलते इस वक्त गोवा की राजधानी पणजी। श्वेता सिंह हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, जो आप सभी दर्शकों को सुबह से लगातार जानकारी साझा कर रही हैं। श्वेता, कितना भरपूर ये बैठक, और सबसे बड़ी बात, 11 साल के अंतराल के बाद कोई भी विदेशी पाकिस्तानी विदेश मंत्री भारतीय सरजमी पर कदम रखने जा रहा है, किस तरह से सामना करेंगे जयशंकर का? पाकिस्तान की आवाम भी चर्चा कर रही है, वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष, कोशिश करेंगे वो कि सामना हो जाए, आमना सामना हो जाए, ये उनकी ख्वाहिश होगी, लेकिन आमना सामना हो पाएगा नहीं, इसीलिए ठीक है जब एससीओ की बैठक चल रही होगी उसमें जरूर वो सामने कुछ पलों के लिए आ सकते हैं। लेकिन देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर आप समुन्दर पीछे देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे ये जो जगह तैयार की गई है, यहाँ पर सभी इनपुट्स आते हैं उसके एससीओ विदेश मंत्री परिषद की बैठक के लिए, तो कुछ ऐसी परिस्थिति में पहुंचेंगे बिलावल भुट्टो, जो कि 5 बजे शाम में यहां पर पहुंच रहे हैं। और उसके बाद ये जरूर उन्होंने कह दिया है कि जो फ्रेंडली उनके नेशन है उनसे वो एक अच्छी बातचीत की उम्मीद करके आ रहे हैं, पर सीधे तौर पर ये समझ लीजिए कि भारत से बातचीत हो पाती ये ख्वाहिश जरूर रही होगी, और इसीलिए जो पाकिस्तान में आप आम लोगों की भी वहां पर प्रतिक्रिया देख लेंगे तो वो सब यही कहते हैं कि कहीं और पर मेज पर बैठ के बात कर लेते, यानी कि पोस्चरिंग इस तरह की रहती है जैसे कि हम तो हिंदुस्तान के बुलावे पर जा रहे हैं, लेकिन मन में ये चीज रह जाती है कि काश बात कर ली होती हिंदुस्तान ने, जो कि उन्हें मालूम है कि होगा नहीं, और भारत को ज्यादा महत्वपूर्ण देशों से बात करना है, जैसा कि एस जयशंकर ने भी अपनी तरफ से स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान एक एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन हम इंगेज जिन देशों से कर रहे हैं उनके बारे में उन्होंने जानकारी देकर। आशुतोष, बहुत धन्यवाद श्वेता।